संचित करते हुए अपने आप को प्रफुल्लित पा रहे हैं। मैं सबका हृदय से एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं। और हमारे नजदीकी गांव, अगर हम उस गांव को कटवा माफी ना करके ना कहकर परशुराम नगर कहें तो काफी बेहतर होगा। एक जोरदार तालियां लगा करके हमारे परम सदस्य श्री परशुराम सिंह जी का स्वागत करें। हमारे बीच में उनका पदार्पण हुआ कार्यक्रम के आरंभ में ही, और उनका परिचय मात्र कुछ शब्दों के माध्यम से मैं देना चाहूंगा कि जो अच्छे हैं उनकी कहानी भी अच्छी, लड़कपन भी अच्छा और ये जवानी भी अच्छी। जो अच्छे हैं उनकी कहानी भी अच्छी, लड़कपन भी अच्छा, जवानी भी अच्छी। और है ऐसे तीर को जगह दिल में भी, है ऐसे तीर को जगह दिल में भी जिसका निशाना भी अच्छा और वृक्ष जैसी निशानी भी अच्छी। एक जोरदार तालियां लगाकर स्वागत करें वृक्ष बंधु के नाम से विख्यात, अब हमारे बीच में विश्व बंधु के नाम से अपनी भावनाओं को वृक्षों के माध्यम से, अपनी भावनाओं को सद्भावनाओं के माध्यम से हमारे अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर बिखेरने वाली जो प्रतिभा के अंदर है उसे प्रस्फुटित करते हुए हमारे सारे समाज को आलोकित किया। हम ऐसे प्रसिद्ध श्री परशुराम सिंह जी का स्वागत करते हुए हार्दिक इस्तकबाल करते हैं। और जो वहां से लोग कटवा माफी से इस रात्रि में चलकर आए और इस खूबसूरत निशा का आनंद उठा करके फिर रात में पैदल घर जाएंगे, खूबसूरत आनंद तो मिलेगा लेकिन वो जो दर्द जाने का होगा उससे बेहतर दर्द यहाँ आने का होगा, जो मीठा होगा, जो यहाँ से विहंगम इस दृश्य का आप अवलोकन कर रहे हैं। और एक दो चार पंक्तियां आपके हृदय में समर्पित करता हूँ। और अन्ना हजारे का प्रकरण छाया हुआ है और सबके हृदय में ये बात रखना चाहूंगा कि साहस संघर्ष देश प्रेम की भावना जो दिल में जगाए वो कहानी हमें चाहिए। साहस संघर्ष देश प्रेम की भावना जो दिल में जगाए वो कहानी हमें चाहिए। सीने में तूफान हो, चाहत का इकरार हो, आंखों में भी हयादार पानी हमें चाहिए। और दुश्मन की हवा तक भी सरहद को न छू सके ऐसी कड़ी सख्त निगरानी हमें चाहिए। और देश पे बलिदान जो कटाए शीश शान से अब ऐसा जवान और जवानी हमें चाहिए, ऐसा जवान और जवानी हमें चाहिए। तो ऐसे लोग जो सबका समर्थन करते हुए आपके समर्पण भाव को अपने हृदय ग्राही करने के लिए हम समर्पित हुए हैं। एक बार फिर से हम मिश्रा जी को मंच समर्पित करेंगे इस भाव से।
और उसके बाद हम नाम लेना चाहेंगे पंडित श्री विनोद द्विवेदी जी, हमारे बीच में भजन और गजल के मशहूर कलाकार हैं और उनको मैं मंच समर्पित इसके तुरंत बाद करूंगा और मैं नाम उनका फिर से एक बार लेना चाहूंगा, पंडित श्री विनोद द्विवेदी जी।
और भी जगह हुआ, समय का ध्यान रखना, लेकिन आपने कहा तो काशी का। Thank you.
तुरंत कुछ ही क्षणों बाद फिर प्रोखातिब होंगे गीतों के माध्यम से। बुलाना चाहूंगा परम सिद्धेश विनोद द्विवेदी जी को, मंच समर्पित करता हूँ। और नाल पर बुलाना चाहूंगा हमारे अशोक द्विवेदी जी, साथ देते रहेंगे हमारे शहनाई वादक कलाकार, और सारंगी की जगह बैठेंगे हमारे नाल वादक परम सिद्धेश अशोक द्विवेदी जी, और तबले पर साथ देते रहेंगे पंडित शशिकांत द्विवेदी जी। बहुत ही प्यारा सा माहौल, बहुत ही प्यारा सा अंदाज हमारे परम सिद्धेश मिश्रा जी का, और द्विवेदी जी के लिए कुछ चंद पंक्तियां आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। कि आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं, और आप चल के एक बार फिर आ गए हैं शुक्रिया, वरना अब तो लोग भूकंप में भी हिलते नहीं हैं, वरना अब तो लोग भूकंप में भी हिलते नहीं हैं। और हृदय से स्वागत करते हुए एक बार आपके बीच में मौजूद है श्री विनोद द्विवेदी जी गीतों के साथ, और नाल प्रसाद देने के लिए आ रहे हैं पंडित अशोक द्विवेदी जी, जहां कहीं भी वहां बाई तरफ नाल लेकर बैठे हुए, और एक ऑपरेटर महोदय से निवेदन है कि एक माइक्रोफोन और लगाकर। मैं मिश्रा जी से निवेदन करता हूँ कि महफिल छोड़कर अभी जाएंगे नहीं, हाँ अभी तुरंत आने की कृपा करेंगे। कलाकार जब कलाकार को देखता है तो हृदय का कलाकार सामने आता है, तो उस कलाकार को सामने आने का मौका दें, निवेदन करता हूँ।